Happy morning, my dear children. Sit down. ये morning शायद और भी happy होती अगर आपका class थोड़ा साफ सुथरा होता। अरे मैंने कुछ कहा आप सबसे? ईरा देखो आपकी बेंच के नीचे कुछ चॉकलेट के रैपर्स गिरे हुए हैं। साफ सफाई नहीं करेंगे। अरे मैम ये लोग तो ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, मैं भी सफाई वाली आंटी को बुला कर आता हूँ। रुको कार्तिक, सही कह रहे हो आप, सफाई वाले आंटी तो आई सफाई करके भी जाएंगे लेकिन दूसरे पीरियड में वापस कचरा हो जाएगा, दोबारा आंटी को बुलाओगे दोबारा कचरा फैल जाएगा, है ना? तो ये बताओ कि हम कचरा फैलाना बंद कब करेंगे बेटा? क्या हमारे क्लास में विद्यालय में डस्टबिन नहीं है? बोलो। Amen. तो क्या हम थोड़ा कष्ट उठाकर अपनी खाई हुई चॉकलेट के रैपर्स या बाकी कचरा डस्टबिन में नहीं डाल सकते? डाल सकते हैं मैम। देखो बच्चों, अगर हम हर वक्त यही सोचेंगे कि ये मैं क्यों करूं, ये मेरा काम नहीं है, ये कचरा मैंने नहीं फैलाया वगैरह, तो क्या हमारा क्लास विद्यालय शहर राज्य या देश साफ हो पाएगा? बोलो। नहीं मैम। हाँ बच्चों, तो जब आपका मन इतना साफ है, उसमें एक दूसरे के लिए प्रेम है आदर है, तो आपके आसपास का वातावरण साफ सुथरा होगा ना? और हाँ ये मत सोचो कि शुरुआत कौन करेगा, क्योंकि अगर सावित्री बाई फूले ऐसा सोचती तो क्या वो शिक्षा लेने वाली पहली भारतीय महिला बन पाती? अगर भीमराव अंबेडकर जी ऐसा सोचते तो क्या समाज में सबको समान अधिकार मिल पाते? अगर गांधी जी भगत सिंह जी सुभाष चंद्र बोस ऐसा सोचते तो क्या हमारे देश को आजादी मिलती? क्या आप सब इतने सुंदर देश में आजाद होकर रह पाते? Thank you.